के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। सड़क दुर्घटना में महिला की मौत, गंभीर रूप से घायल एक महिला को जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज किया रेफर। प्रत्येक सक्रिय साधन सहकारी समिति को 5-5 लाख रुपए देगी प्रदेश सरकार, सहकारिता राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने किया घोषणा। हावड़ बंदे पर चल रहे अवैध कच्ची शराब के कारोबार पर पुलिस ने मारा छापा, 900 लीटर अवैध कच्ची शराब, 100 लीटर अमिश्रित देसी शराब तथा 5 किलो यूरिया जब्त। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रशासनिक न्यायमूर्ति ने दीवानी कचहरी परिसर में किया वृक्षारोपण, दीवानी कचहरी परिसर में किया वाटर कूलर का लोकार्पण। मंडलायुक्त अनिल कुमार ने विगत वर्ष बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए बंदे का किया निरीक्षण, दिया तत्काल ठीक कराने का दिया निर्देश, या जगह थाने में थाना समाधान दिवस का औचक निरीक्षण। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई स्वच्छ भारत मिशन की बैठक, जिले को ओडीएफ बनाने पर हुई चर्चा। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने मंडल के 200 किसानों को कृषि यंत्रों का वितरण कर भूमि संरक्षण एवं जल संसाधन बढ़ाने के उद्देश्य से शीघ्र ही बड़ा कार्यक्रम करने का किया घोषणा। कोतवाली थाने पर आयोजित थाना समाधान दिवस पर एसपीसीटी ने सुनी लोगों की फरियाद, दिया त्वरित निस्तारण का निर्देश। जिला महिला चिकित्सालय परिसर में बन रहे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 7 मंजिल अस्पताल का मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने किया निरीक्षण। जिला मजिस्ट्रेट के विजेंद्र पांडेय ने उप जिला मजिस्ट्रेट खजनी दिनेश को खजनी का कार्यवाहक प्रमुख किया नामित। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने प्रदेश महामंत्री अतुल कुमार मिश्रा के गोरखपुर आगमन पर परिषद के सदस्यों ने किया जोरदार स्वागत, अपनी मांगों को लेकर 7 और 8 जून को प्रदेश के राज्य कर्मचारी करेंगे कार्य बहिष्कार। समाजवादी पार्टी यूजन सभा की बैठक हुई संपन्न, की कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में संविधान एवं वर्तमान भारतीय राजनीति दशा एवं दिशा विषय पर आयोजित हुआ गोष्ठी, वक्ताओं ने रखे विचार। लखनऊ में शिक्षक पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने हाथों पर काली पट्टी बांध कर 2 घंटे का किया कार्य बहिष्कार, मांगे पूरी न होने पर प्रतिदिन 2 घंटे तक जारी रहेगा कार्य बहिष्कार। मल मास के पावन महीने में अशोकनगर स्थित दुर्गा मंदिर में भजन गायकों ने किया माता का जगराता। 22 मई को आएंगे वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार श्री प्रताप शुक्ल। और डिस्ट्रिक्ट वुमेन क्रिकेट एसोसिएशन देंगी महिलाओं को निशुल्क क्रिकेट की ट्रेनिंग, सचिव रीना सिंह ने दी जानकारी।